हमारी गोभी। आमा सच ही नहीं मान रही थी, हमारी हुई हैं करके गोभियाँ। अभी आमा का रिएक्शन इतनी बुढ़ी हो गई है, मतलब कितने साल की हो गई होंगी, 95+ हो ही गई होंगी, फिर भी खेत में आके काम कर रही है। लेकिन आजकल की ऑफिस गए थे, मतलब क्या काम गए थे? एपीसी रुका हुआ है। हेलो एवरीवन, वेलकम आवर न्यू ब्लॉग। सो कैसे आप सब लोग? आई होप आप सभी ठीक होंगे। तो मैं भी ठीक हूँ। सो मैं उठ गई हूँ। अभी टाइम हो रहा है 6:30। तो अभी मेरा काम हो रहा है किचन का, मतलब किचन की साफ़ सफाई करना, और बाहर मैंने कपड़े धोने के लिए लगा दिए मशीन में। तो किचन की ना साफ़ सफाई कर लेती हूँ मैं। और उठ तो मैं बहुत पहले गई थी, मतलब नहा धो लिया मैंने। और तो चलो, सारा सामान ऐसे पड़ा हुआ है ये किचन का। यहाँ सेल्फ वगैरह मैंने साफ़ करने हैं, कुछ तो टाँच दिए मैंने, कुछ और करने हैं, अंदर वाला भी। आज भी मौसम ख़राब हो रहा है, मतलब पूरा बादल बादल लगे हैं। ये सामने पूरा बादल लगा हुआ है, कोहरा लगा हुआ है। तो यहाँ पे मैंने मशीन में कपड़े डाल दिए हैं धोने के लिए। तो गाइस अभी मैं आई हूँ रूम पे। हमारा नाश्ता वगैरह सब कुछ हो गया है, मतलब वो तो काफ़ी टाइम पहले हो गया था। अभी बज गया है 11। तो थोड़ी देर में मैं लंच बनाती हूँ। बाकी काम में इतना बिजी थी ना, सुबह का मौसम देख के ऐसा लग रहा था ना कि बारिश होगी, मतलब क्योंकि बादल बहुत लगे हुए थे, मतलब कोहरा बहुत लगा था। मैंने सोचा बारिश ही होगी, तो अभी ना मतलब धूप आ गई है। तो अभी धूप आ गई है, मतलब कपड़े सूख जाएंगे नीचे। अभी मैं बना रही हूँ जोई भात, मतलब कड़ी चावल। हमारे पहाड़ी में मतलब कड़ी को ना झोली बोलते हैं। तो ये है झोली। और चावल मैंने चढ़ा दिया है। आप आ गए हो? क्या देख रहे हो? मिठाई के ही भूखे हो आप? कहाँ से आई है पूछ लो पहले मिठाई, ठीक है? क्या है इसमें थैली में, बताओ तो। आम है। कौन से आम? मीठे आम। दशहरे आम, मीठे आम। कहाँ है ये आम? इसको बोलते हैं लंगड़ा आम। क्या है, अभी 3 ही लेके आए हो आप तो? और सभी लोग तो हैं। अभी मैं उठ गई हूँ, एक चीज दिखाती हूँ। ये देखो कैसे सोए हैं। कैसे सोए हैं। उठ जाओ, नहीं उठ रहे, न्यूट्रे। ओहो, कई थकान हो गई यार। ऐसा लग रहा है मतलब कितने दिनों से आज नींद पूरी हो रही है। गर्मी भी कहीं हो रही है, पता है आपको। चलो उठो, उठो भाई, उठो उठो उठो, उठ 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 उठ। जब आप बाहर आओगी तो पंखा बंद करके आना, ठीक है? ओके। तो अभी मैं चाय बनाती हूँ। आप अभी उठ ही गए होंगे शायद। अभी 3:30 हो रहे हैं टाइम। धूप कहीं खतरनाक लगी है यार। चलो अब चलती हूँ नीचे। क्या खा रहे हो अभी? पापड़। चाय और पापड़। क्या आप चिमने ही बन नींदी में रहना। हे चंदू, क्या कर रहे तू? अरे ये तो 24 घंटों पढ़ाई करते हैं गाइस। SSC CGL निकालने वाला है, बता दिया था मैंने आपको। पापा कहाँ गए हैं? सुनाई दे रहे हैं, नहीं दे रहे? आई डोंट नो, मुझे पता नहीं। ओके। तो परसों आमा ना सच नहीं मान रही थी कि हमारे गोभी इतने अच्छी हुई हैं करके, बंद गोभी। तो मैं आमा को ना एक बंद गोभी तोड़ के दे रही हूँ आज की सब्जी के लिए। और फिर आमा का रिएक्शन देखते हैं, ठीक है। तो ये है हमारी गोभी और ये हरी मिर्च हैं। और इधर आप जो बेल देख रहे हो ना वो सारे कद्दू और लौकी के हैं इधर इधर। बाकी यहाँ मूली, शिमला मिर्च। पापा इधर देख के बोलो ना, क्या कर रहे हो? पापा वहाँ पे कूड़ा जला रहे कोने से दिख रहे हैं। मैं आमा को ना परसों आमा सच ही नहीं मान रही थी, गोभी का हमारा हुआ है करके। ये है हमारी गोभी, आमा सच ही नहीं मान रही थी हमारी हुई है करके गोभियाँ। अभी आमा का रिएक्शन देखते हैं। अभी मैं नीचे चाची लोगों के खेत में जा रही हूँ, आमा का रिएक्शन देखने में यहीं पहुँच गई। ये देखो यहाँ है आमा का खेत। चाची क्या कर रहे हैं यहाँ? ये मैं वो लगा रही हूँ बेल में। आमा ये सच्ची ना मानन मत छीने दे। आमान छीने सच। तो गाइस आजकल की बहू है ना, आजकल आमा को देखो अभी तक भी इतनी बुढ़ी हो गई है, मतलब कितने साल की हो गई होंगी, 95+ हो ही गई होंगी, फिर भी खेत में आके काम कर रही है। लेकिन आजकल की बहुएं ऐसी हो रही है, क्या बताऊं। इसके साथ तो बिल्कुल ही हो रही है अम्मा के साथ तो बिल्कुल ही हो रही है पर आजकल की बहू, आजकल की बहुएं खा नहीं लगा दे, क्या बोलते हैं, खा पीना सकम रहे ना। हाँ ला खाना सकम रहे ना। हमको दिन भर काम में लगाई रहती है, एक मिनट भी नहीं बैठने देती है। आजकल की बहुएं बस खा ही नहीं पाती है। हमने कैसे दुख कटे हैं। सही कह रही है चाची, हमने कैसे एकदम 100% प्योर बात, राइट बात। आजकल की बहुएं सोने के लिए वो बिस्तर फाड़ी है, चारपाई तोड़ी है, फिर भी नहीं पच रहा है, फिर भी नहीं पच रहा है। आप कहते हैं यहाँ पे बच्चे तुम क्या कर रहे हो, क्या करोगे? बोतल में पानी भर के ये बताओ पहले, हैं? पौधों में डाल। किसके पौधों में आपके? डाल फिर हैं? तो इससे डाल फिर, नल बंद करो ना, इसमें पानी नहीं भरा। तू स्कूल बुद्धू है, फिर तो बुद्धू है, बुद्धू है ना, है नहीं है? हाँ या ना बोल, बोल ना, है रे तो बुद्धू है। तो अभी आना ने हाथ मुँह धो लिया है, अब मैं जलाऊंगी, अब मैं मतलब पूजा करूंगी, बत्ती जलाती हूँ। पापा यहाँ पे पता नहीं क्या देख रहे हो आप। आज आप ऑफिस गए थे, मतलब क्या काम गए थे? एपीसी रुका हुआ है। हाँ। उसके लिए भी आना। अच्छा चलो ठीक है, फिर बत्ती जलाती हूँ मैं। तो ये है हमारा मंदिर वाला रूम, जैसा कि आप लोगों को पता ही है, ये है हमारा मंदिर। सो मैं बत्ती जला दी, फिर मिलती हूँ। ये हमारे हरेला है जो कि जम गया है, देखा 16 को है हरेला, तो हमारा हरेला इतना बड़ा हो रहा है अभी। ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे, भक्त जनों के संकट, भक्त जनों के संकट क्षण में दूर करे, ओम जय जगदीश हरे। तो मेरी पूजा कंप्लीट हो गई और शायद से बाहर बारिश आ गई है भाई। हाँ बारिश आ गई है, तो मैं जाती हूँ खाना वाना बनाती हूँ। क्या कर रहे है तू यहाँ? मार रही है, बारिश आ गई है, घर नहीं जा रहा, बारिश आ गई, बारिश आ गई। तो अभी मैं बना रही हूँ आलू शिमला मिर्च बैंगन की सब्जी, जो कि मैंने काट के रखी हुई है, और कढ़ाई चढ़ा दी है, जीरा डाल दिया। तो चलो बन जाता है, फिर मिलते हैं। तो मेरी रोटी अभी बन चुकी है, बस एक ही रोटी बची है ये, और बाकी बना दिए हैं। और सब्जी भी आज मैंने दही वाली सब्जी बनाई है, तो ऑलमोस्ट पक गया है। तो आज के ब्लॉग में ना गर्मी देख रहे हो कितनी हो रही है, बाप रे। छोटा किचन छोटा है ना, तो इसकी वजह से बहुत पसीना आ गया है। तो आज के ब्लॉग को यही पे एंड करते हैं। फिर आई होप आपको वीडियो पसंद आ रही होंगी। सो मिलते हैं एक नए ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय।